ये हैं जिसके लिए लड़ा जा सकता है और ज्यादा किया जा सकता है।
छोटी छोटी सी बातों के लिए अगर नहीं है तो ज्यादा अच्छा और कुछ होगी, छोटी मतलब कान में दर्द हो गया, नाक में दर्द हो गया, ये सब है जो आपकी है रियल चीजें। आंखों का है, जैसे हमारी बहन जी बोल रही है इनका ऑपरेशन हुआ, कोई बताया कि आंखें भी थी, ऐसे कितने लोगों का ऑपरेशन हो चुका है आंखों का, कई लोगों की और बीमारी को हमारे ये बैठे हैं, काफी मुझे खुशी है 4-5 साल से इनको जो किया गया, इनकी काफी बेटी भी आज इनकी 10th में पढ़ रही है। तो आप ये सोचिए कि अच्छा दुआएं क्या पढ़ रही हैं, हाँ कह रहा आपका, इंडस्ट्री वैसे नहीं दे सकती, आप लोगों ने इससे सब काम किया है तो ये हक है लेने का वापस, लेकिन हक बड़े प्यार मोहब्बत से हम झगड़ा करके ना, जो कुछ लोग आ रहे हैं उनकी इज्जत करें और वो लोग सामने आए, जैसे दत्तू ने भी बताया आपको कि रसीदें जिन्होंने बच्चों की फीसें दी गई हैं, अब उनका क्या काम है, स्कूल की रसीदें ला के यहाँ जमा करा दें ताकि उस शख्स को हम भेज दें जिस आदमी ने आपके स्कूल में ये चेक भेजा है, उनके पास भी रिपोर्ट होनी चाहिए और बताइए बच्चे ने कितनी तरक्की की, बच्चा कैसा है, उसके कपड़ों से लेकर उसकी किताबों से लेकर सब कुछ आपके स्कूल पहुंच जाता है। आपको भी चाहिए कि आप ये काम कीजिए, और हर चीज बोली नहीं जाती यहाँ, जितने लोग करते हैं हम बताना नहीं चाहते कि कौन कितनी हेल्प करता है कितनी नहीं करता है। शुभ अवसर है, और जैसे आपको मालूम है ईद भी हमने धूमधाम से मनाई थी यहाँ, दत्ती ने आके किया, आज दिवाली है, हमारे सब कलाकार और कुछ हम लोग साथ हैं। पहले तो आप लोग बैठे रहिए, वहीं बैठे रहिए, दिवाली की एक छोटी मिठाई आपको वहीं बैठे मिल जाती है, उसके बाद आप आगे का कार्यक्रम, तब तक भेजेंगे किसी को बोलने को बोलिए, मेरे साथ आप चलिए, क्योंकि कोई उठेंगे तो गड़बड़ होगी, आप बैठे रहिए। बसेरा को जैसा कि दत्तू ने कहा 5 साल होने जा रहे हैं, एक बात मैं बहुत अहम है मैं कहना चाहूंगा, देश में बहुत सारी एनजीओ चलती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बसेरा उनमें से एक है, ये हमारे अपने इंडस्ट्री के उन लोगों के लिए है जिन्होंने हमारे साथ काम किया, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आने वाले समय में बसेरा का जो है और विस्तार किया जाए। विस्तार कैसे हो सकता है, उसका एक रास्ता ये होता है कि कोई भी एनजीओ गवर्नमेंट के साथ जुड़ के जो काम सरकार को करना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार को, वो धर्मेश जी और रोमा भाभी कर रहे हैं, ये दत्तू कर रहे हैं, प्रेम जी हैं, राजा भाई हैं, सब लोग मिलके उस काम को अपने कंधों में लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर इस एनजीओ को और आगे बढ़ाना है, महाराष्ट्र सरकार का जो कल्चरल डिपार्टमेंट है जिसके तहत में पूरी फिल्म इंडस्ट्री आती है, कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ के संपर्क करके वहां से एड लेके बसेरा का और विस्तार करना चाहिए आने वाले समय में, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज का फायदा हो। और अगर इस काम में हम लोग हुए या हमारे सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के और कलाकारों की जरूरत पड़े तो हम ये वादा करते हैं कि हम धर्मेश जी के साथ खड़े हैं और इसमें उनके साथ जहां तक जाना चाहेंगे वहां तक जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से ये किसी की कोई मदद नहीं है, ये आपका हक है, आप अपना हक ले रहे हैं, आप ये हक लेते रहिए, लेकिन आने वाले समय में और ज्यादा से ज्यादा लोग, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस हक को ले सकें, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। और जिस तरह से मनीष जी ने अभी अभी मुझसे इंक्वायरी की कि भाई किस तरह से इसे जुड़ना होता है, उन्होंने इस पे इंटरेस्ट दिखाया, तो आने वाले समय में और बहुत सारे लोग सिस्टम से जरा चलो बांट लो फिर। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली तो सबकी होगी ना यार, चलिए सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। कितनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, कितनी शक्ति